हेलो गाइस, आज फिर से मैं और यतिन साथ में हैं गाइस। तो हम लोगों ने आज सोचा क्यों ना हम लोगों को बताया जाए कि आजकल खुद को अपडेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं ज़माना कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना। हमें भी उसी स्पीड से अपने को अपडेट करना गाइस बहुत ज़रूरी है। तो आइए लेट्स वेलकम मिस्टर यतिन। हाय बानी मैम, आप हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन, यू टेल। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग सब अवेयर हो कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है, हमारी लाइफस्टाइल कितने स्पीड से चेंज हो रहा है ना। लेकिन पहले ना सिर्फ एक चीज़ होती थी, पहले हम सिर्फ अमीर और गरीब देखते थे, लेकिन आजकल गाइस चेंज हो गया। आजकल ना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड या फिर नॉन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग होने लगे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी के साथ जा रहा है वो अपनी लाइफ में खूब तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंप्लेन करते हैं हमसे आता नहीं, हमसे हो पाता नहीं, हम कैसे कर सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं बता दूं गाइस कि सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और हिम्मत होनी चाहिए, अपने को अपडेट करने की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक गाइस ये है कि अगर हम खुद से अपडेट नहीं करेंगे अपने को, तो जो हमारी जनरेशन है इनका कनेक्शन हमसे थोड़ा कम होता जाएगा। क्या कहना है आपका यतिन? बिल्कुल सही बात है मैम, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे ना, तो हमारा काम, जो काम हमारा पहले एक एक दो दो घंटे में होता था, वो 5 मिनट 10 मिनट में हो जाता है। Exactly. तो एक तरीके से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी हमारे टाइम को बचा रही है हमें ना, और प्रोडक्टिव बना रही है। तो इसलिए टाइम के साथ हमें अपडेट होना जरूरी है, टाइम के साथ भी और टेक्नोलॉजी के साथ भी। बिल्कुल सही कहा। तो अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूँ, जिससे हम सब बहुत अवेयर हैं, तो मैंने खुद ये लाइफ में चेंज देखे हैं गाइस कि पहले हमें किसी भी लोकेशन पे पहुंचना होता था। आप लोगों को याद होगा कि हम रास्ते में ना रुक रुक के पूछते थे कि भाई ये कहाँ पड़ेगा, हमें यहाँ जाना है, ये कहाँ पड़ेगा। लेकिन अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, GPS जो आ गया है हमारी लाइफ में, है ना, आप सब अवेयर इस चीज़ से, आजकल सब GPS के थ्रू चलता है। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो गाइस मोबाइल को ही ले लो। जब मोबाइल आया था वो कैसा दिखता था, और अब आप सबको पता ही है कि वो स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गया है, और इनफैक्ट आगे और ज़्यादा चेंजेस आने ही वाले हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं गाइस। अटेंडेंस की बात करो, ऑफिस में जाओ, पहले रजिस्टर में प्रेजेंट और एब्सेंट लगता था, अब तो फिंगर से होता है, सब जगह मशीन्स आ गए हैं, है ना। बैंक के ट्रांजेक्शन्स की बात करें, आजकल तो वो स्लिप भरनी नहीं पड़ती, सब में मोबाइल बैंकिंग ऐप्स हैं, आप घर से ही उसको ट्रांजेक्शन स्लिप कर देते हो और वहाँ जाके डायरेक्ट कैश डिपॉजिट। बहुत इजी हो गई है लाइफ, क्यों यतिन? बिल्कुल मैम, जैसे अभी आपने बताया कि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गई है, इसका मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा पड़ा है, क्योंकि कई बार पहले ऐसा होता था मेरे पास कैश नहीं होता था। हाँ। और मेरे को कहीं बहुत ज़्यादा बार प्रॉब्लम भी होती थी ट्रांजेक्शन्स करने में, बट अब ऑनलाइन है, सब कुछ सब एक्सेप्ट करते हैं ऑनलाइन, तो फटाफट दो से तीन मिनट में पेमेंट हो जाती है और हम फ्री हो जाते हैं। एग्जैक्टली, पहले हमें लाइन में लगना होता था। वैसे इससे मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, पहले हमें लाइन में लगना पड़ता था, स्लिप भरनी पड़ती थी, अब वो सब चीज़ें नहीं हैं गाइस। ऐसे ही तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे ही बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ गाइस, स्पेशली ओला और उबर, राइट, पहले क्या होता था, दिल्ली से अगर मुझे मेरठ आना होता था एयरपोर्ट से, तो आई थिंक 2.5 के से चार्ज लगता ही था, और अब हम कैब बुला लेते हैं तो वो तो कितना रिड्यूस हो गया है, वो अराउंड 1000 में आ जाते हैं। अब तो डिफरेंस कैब के अलावा भी हम देखें तो एक नई चीज और आई है, ब्लाबला, अगर आपने नाम सुना हो, उसमें क्या है, कार पूलिंग चल रही है कि आप 4 से 5 जने हो, आपने अपना अपना शेयर दिया और वो और सस्ता हो जाता है, यानी अराउंड 300 और 500 समथिंग। तो 2500 से कॉस्टिंग हमारी 500 आ गई है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। और गाइस एक मजे की बात बताऊं, जब मेरी मैरिज हुई थी ना, जब मैं मेरठ आई थी, तो मैंने मेरठ में देखा कि काफी सारी शॉप्स पर ना वही जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं कच्ची रसीद बनाना, यू नो, और क्योंकि मैं गाज़ियाबाद से थी तो वहाँ पे सब कंप्यूटराइज था, वहाँ पे तो ये मतलब देखे हुए अरसा हो गया था कि कॉपी पे कोई बिल हमें ऐसे बना के दे रहा है। तो मैंने देखा ये मेरठ में लोग अपडेट ही नहीं थे,
फिर धीरे धीरे वो अपडेशन आने लगा। तो गाइस दिस इज हाउ कंप्यूटराइज से कितना चेंज हो गया है। जो भी शॉपकीपर्स हैं चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं, बिलिंग पैटर्न बहुत इजी हो गया है। पहले की तरह नहीं वो कैलकुलेशन पे खट 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 करो फिर अमाउंट बताओ, आजकल सब कंप्यूटराइज हो गया है, बहुत इजी हो गया है लाइफ। आजकल तो मैम टेक्नोलॉजी का इतना अपडेट आ गया है कि जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, या मैं अपनी ही बात करूं, पहले कैप्शंस वगैरह जब हम लिखते थे या डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें होती थी, हमें नीड पड़ती थी, बहुत टाइम लगता था एक परफेक्ट अच्छा कैप्शन ढूंढने में चीज़ों के लिए। और अब जो नया अपडेट आया चैट जीपीटी एग्जैक्टली, बहुत है नया आजकल जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। चैट जीपीटी इतना आसान है, अगर आपको यूज़ करना आ गया तो आप उससे कुछ भी लिखवा सकते हैं, वो भी जस्ट इन मिनट्स। एग्जैक्टली, सी गाइस कितना चेंज है, गूगल से भी दो कदम आगे है चैट जीपीटी। आप इससे अपना होमवर्क से लेकर एसेज या कैप्शंस, डिस्क्रिप्शंस, कुछ भी जो भी आपको चाहिए। एसेज से मुझे एक चीज और याद आई, आजकल अगर मैं इस टेक्नोलॉजी को बच्चों से कोरिलेट करूं, तो पहले हम मदर्स के लिए ना बहुत टास्क होता था, कोई भी बच्चे को एसे मिले या कुछ भी लेटर मिले या कोई प्रोजेक्ट मिले, वी कीप ऑन फाइंडिंग थिंग्स, दूसरों से बुक्स बोरो करना, न्यूज़पेपर की कटिंग्स, कई बार वो न्यूज़पेपर भी नहीं मिलते थे, मतलब काफ़ी कई बार प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब तो सारे आइडियाज़ यूट्यूब पर हैं, कोई भी क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है। मुझे आज भी याद है कि हमारी मम्मी हमारे लिए परेशान होती थी कि चार्ट्स बनवा, चार्ट बनाना है, कोई क्राफ्ट बनाना है, आजकल सारे आइडियाज़ यूट्यूब पर हैं। और इनफैक्ट अगर आपको कोई एसे लिखवाना है, जैसे बच्चे अभी छोटे हैं तो हेल्प हमें भी करनी पड़ती है, सारी हेल्प यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो अब आप ही बताओ, जो लोग अपने को अपडेट नहीं रखेंगे वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, बहुत ज़रूरी है अपडेट होना। और गाइस साइलेंट एयरपोर्ट से भी ऊपर आजकल बैंगलोर का एयरपोर्ट अगर आपने देखा हो तो गाइस वहाँ पे कोई पर्सन आपको नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट दैट आपको अपना वहाँ बैगेज रखना है, वो अकॉर्डिंगली आपको बोर्डिंग पास मशीन निकाल करके देती है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं होंगे तो आप इन चीज़ों के साथ कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। इनफैक्ट 5-6 ईयर्स पहले ना मेरे साथ भी हुआ था, साइलेंट एयरपोर्ट की बात है, वी वर इन टू दिल्ली, हमें गोवा जाना था और हमारे पास फ्लाइट्स की टाइमिंग थी, बट स्टिल हमें लग रहा था कि अनाउंसमेंट होगी तो वी विल गो फॉर बोर्डिंग, राइट। पर वो साइलेंट एयरपोर्ट था गाइस, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम ना खाने पीने में मस्त हो गए और पता लगा फ्लाइट निकल गई क्योंकि वो अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ। तो आजकल आप किसी चीज़ पे डिपेंड हो ही नहीं सकते, यू हैव टू बी मच अलर्ट, सारा काम ऑटोमेटिक है, राइट। तो हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, वरना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे गाइस। और गाइस आजकल ये यूरोप में कैफेक्स वगैरह भी स्टार्ट हो गया है, बहुत जल्दी हमारे इंडिया में भी स्टार्ट हो जाएगा कि आप पॉइंट डालेंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग कॉफ़ी मिल जाएगी, वहाँ भी कोई पर्सन नहीं होगा। तो इसीलिए जो लोग दूर भागते हैं ना टेक्नोलॉजी से, मेरा उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है कि कोई काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ अंदर से हिम्मत होनी चाहिए, कोई एज नहीं होती, आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट कई बार लोग सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखते और चीज़ों से भागते हैं कि नहीं भाई ये हमसे नहीं होगा, ये हमने आज तक नहीं किया। कई बार आज भी देखा गया है लोगों को कंप्यूटर चलाने से भी दिक्कत होती है क्योंकि एक वो फोबिया है कि हमने पहले नहीं करा तो अब कैसे हम कंप्यूटर कर लेंगे, राइट। क्यों यतिन? बिल्कुल मैम, आपका एक एग्जांपल मैम मेरे को बहुत रिलेट कर पाया मैं उससे। ओके। जब मैं भी छोटा था तो स्कूल से बहुत प्रोजेक्ट्स और काफ़ी फाइल्स वगैरह मिलती थी, right. तो उस टाइम पर मेरी मदर भी सेम आपकी मदर की तरह ही परेशान हुआ करती थी कि कैसे बनाएं या कैसे कुछ नया, कुछ क्रिएटिव कैसे लाएं, right. और अब ये मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट का काम है। आप यूट्यूब पे जाओ और क्राफ्ट अगर आप सर्च करोगे तो हजारों वीडियोस आ जाएंगी। तो काम बहुत आसान हो गया क्योंकि शायद मैं अपडेट हो पाया टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए ये मुझे आसान लगा। एग्जैक्टली यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को तो लगता है सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी के बिल, सब कुछ ऑनलाइन। और पहले हमें कुछ खरीदना होता था, हम लोग एक प्लान करते थे कि मार्केट जाना है, ये लाएंगे, आजकल घर बैठे अमेजोन, माइंत्रा, फ्लिपकार्ट और जाने पता नहीं क्या क्या, नाइका, स्पेशली कॉस्मेटिक्स का कुछ चाहिए हो, इतनी ज़्यादा सुविधा है। बट You have to change because the world has changed at a supersonic speed. तो हम क्या करते हैं, हम कई बार ना अपने ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लेते हैं, घर में रेफ्रिजरेटर, टीवी, एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी, माइक्रोवेव, सब कुछ चेंज कर डालते हैं। पर जो चीज़ चेंज करनी थी
खुद को वही चेंज नहीं करते हैं, राइट? बात अभी मैम आपने इलेक्ट्रिसिटी की छेड़ी, तो एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। अराउंड 20 या 18 साल पहले मेरे दादाजी मेरे को साइकिल पर बिठा के लेके जाया करते थे यहाँ पे बिजली का बिल जमा करने, और अब इतना हो गया कि मैं घर से ही मुश्किल से मुझे 2 मिनट लगते हैं और बिजली का बिल जमा हो जाता है। पहले ऐसा होता था कि जैसे अगर हस्बैंड वाइफ भी जा रहे हैं तो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लेडीज लाइन में लगो, लेडीज के नंबर पहले आ जाता है, तो हमें अलग से लाइन में खड़ा किया जाता था। ये तो मैंने भी किया है आफ्टर मैरिज, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि यहाँ लाइन में लग जाओ, यहाँ तुम्हारी ज्यादा सुनेंगे, और हमारा नंबर पहले आ भी जाता था। अब तो ये सब करे अरसा हो गया, ये सब की अब कोई नीड ही नहीं पड़ती, सब कुछ बहुत इजी है, फ्री होम डिलीवरी, घर बैठे कुछ भी, नॉट इवन योर क्लोथ्स बट आपके घर बैठे आपकी डेली यूज का सामान भी जैसे आसानी से मिल जाता है, जैसे ब्लिंकेट, एग्जैक्टली 10 मिनट में आपके घर पे आ जाता है, आप कुछ भी ऑर्डर करो, चाहे एक छोटी सी लिमका की बॉटल ही क्यों ना हो, 10 मिनट में आपके घर पे। और आपको याद है यतन, हम पहले खाना खाने भी सोचते थे, एक घर पे खाना मंगाना भी एक टास्क होता था, एक एक घंटा लगता था, हर होटल्स हर रेस्टोरेंट नहीं डिलीवर करते थे, और आजकल जोमैटो स्विगी ने तो कमाल ही कर रखा है, सारे शहर के रेस्टोरेंट उन पर, और आपको जो चाहिए आधे घंटे में आपके घर पे। और मैम पहले तो ऐसा होता था कि हम रात को कुछ भूख लगती थी तो कुछ नहीं होता था, सारी शॉप्स बंद होती थी और हम भूखे पेट ही सो जाते थे। बट अब जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे जाता हूँ नाइट स्टे वगैरह पे, तो हम लोग रात में भी मंगाते हैं और सब कुछ अवेलेबल होता है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो बहुत अच्छा अपडेट है टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होगा। और मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि ये जो टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं ना, इन सब टेक्नोलॉजीज को हमें अपने बिजनेस में भी इन्वॉल्व करना चाहिए, तभी हम अपने बिजनेस में और अच्छा यू नो ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, राइट गाइस? बहुत जरूरी है यार, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है उन लोगों से जो लोग सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण ये सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये हमने नहीं किया, नहीं भाई ये हम नहीं कर पाएंगे, गाइस ऐसा कुछ नहीं है, कोई उम्र नहीं है, आप देखो कितने ज़्यादा फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम जनरेशन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो कल को जो हमसे यंग जनरेशन है वो हमें कुछ समझेगी नहीं गाइस, इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत 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 ज़रूरी है, क्यों यतन? बिल्कुल मैम, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना टाइम के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जमाने के साथ तो चलना पड़ेगा भाई, द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड, चेंज तो करना पड़ेगा। सो गाइज आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, और जो लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं उनसे भागते हैं वो लोग इस वीडियो से मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ में चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं गाइज, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हम लोग आपके सामने ऐसे ही वीडियोज़ और लाते रहेंगे। दैट्स इट, बाय बाय।